हरे कृष्णा। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि श्रीला प्रभुपाद मुझे इस जन्म में आपका संग प्राप्त हुआ है, आपके सुंदर इस्कॉन संस्था के माध्यम से, और आपके अनगिनत लाखों लाखों भक्त जो कि भक्ति में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ लगे हुए हैं उनके माध्यम से। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में आपके आने की, आपके आविर्भाव की भविष्यवाणी भी हुई है। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी आपको सेनापति, आप उनके सेनापति के रूप में आने की भविष्यवाणी उन्होंने की है। तो आपका आविर्भाव ये सभी जीवात्माओं के लिए एक बहुत बहुत भाग्य उदय करने वाला है, और इस भाग्योदय का जो आपने जो पिटारा खोला है उसमें मुझ जैसे एक पतित और तुच्छ जीवात्मा का भी एक अवसर है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, और उसमें भी ब्रह्मांड में भी कितना बड़ा अंतराल होता है समय का, लेकिन उस समय में हमें हमारा आपके साथ संपर्क आना हुआ, तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। श्रील प्रभुपाद जी फिलहाल में भक्तों की प्रेरणा से हमने आपके लेक्चर्स को सुनने का एक नियमित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि कैसे आपके जो वाणी है ये बहुत दिव्य और शक्तिशाली है। आपके कुछ शब्द, एक शब्द, एक वाक्य से भी आप हृदय को बिल्कुल भेद देते हो, और जो माया के द्वारा भ्रम पैदा हुआ है गलत धारणाओं के रूप में, गलत समझ के रूप में, और ये जो देहात बुद्धि में हम कैसे फंसे हैं, तो आप उसको बिल्कुल छीण छीण कर देते हैं एक एक शब्द, एक एक वाक्य से। मेरा कुछ अनुभव रहा है कि कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में सरलता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं, और माया के हर प्रकार के भ्रम को छीण कर देते हैं। फिलहाल में जब मैं मंदिर में, जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है, वहाँ पर जब मैं सेवा कर रहा था, तो मैं तो कर रहा था अपने रूटीन वे में, लेकिन आपका लेक्चर चल रहा था, आपके लेक्चर को सुन रहा था, तो उसमें आपने एक बात बोली कि सेवा जब हम करते हैं मतलब प्रेम से करना है, कृष्ण से प्रेम करते हुए करना है। तो उस समय आप जिस तरह से आपने शब्दों को रखा, जिस तरह से आपने बोला, तो बात बिल्कुल चुभ गई कि कैसे मैं सेवा तो कर रहा था लेकिन शायद प्रेम से नहीं हो पा रहा था। तो आपने वो कृष्ण प्रेम का सिद्धांत बिल्कुल सरल तरीके से प्रस्तुत किया था, और वो बहुत हृदय में छूने वाला था। और एक बार आप लेक्चर में बोल रहे थे कि कैसे जब हम भक्ति करते हैं तो जितना हम देहात में बुद्धि से निकल रहे हैं वो उसका प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो आप बोल रहे थे कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो अगर हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये केवल मैं इस शारीरिक यंत्र में बैठा हूँ, अगर आप इस बात की अनुभूति कर पाते हो और आप पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में अपने समय को बताते हो, तब आप समझ सकते हो कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो। तो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कैसे हम कर सकते हैं या कैसे कर रहे हैं, कैसे समझें, आपने उसको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सरल तरीके से बता दिया। श्रील प्रभुपाद जी, आपकी पुस्तकों का जो शक्ति है वो भी मैंने जो भी अनुभव किया है उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा प्राप्त होती है। फिलहाल में जब हम ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं तो एक भक्त कनेक्ट हुए थे एक ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से। तो जब मैंने उनका सुना कि कैसे वो जुड़ गए, कैसे वो जप करना शुरू किए, तो वो बता रहे थे कि उनको एक भगवद गीता प्राप्त हुई, और भगवद गीता वो पढ़ने के लिए गए थे, बिजनेस में अच्छा करना है तो कुछ टिप्स चाहिए थे, तो भगवद गीता उन्होंने पढ़ा, और भगवद गीता पढ़ने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। अभी वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और नाम जप करते हैं, मायापुर ऑनलाइन से मंगल आरती पूरा अटेंड करते हैं, सब कुछ
और श्रीमद् भागवतम क्लास लाइव अटेंड करते हैं, किसी भक्त का संग नहीं मिल पाया व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपके भगवद गीता को केवल पढ़ने मात्र से उस भक्त का जो पूरा जीवन है वो बदल गया। तो श्रील प्रभुपाद जी आपने ये बात बोली है कि आप हमेशा हो, आप कभी भी किसी भी ऐसे जीवात्मा जो कि आपके संस्था के संपर्क में आता है, आपके भक्तों के संपर्क में आता है, उसको आपका व्यक्तिगत संग प्राप्त है। जैसे आपने बोला है कि आप हमेशा उन सभी गंभीर भक्तों के हृदय में हो जो आपके शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, और आप आपका जो संस्था है वो आपसे अभिन्न है, आपने ये भी बात बोली है, और आप आपके पुस्तकों में पूर्ण रूप से उपलब्ध हो। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति जो कि संस्था में आता है, जिसको भी आपकी पुस्तक प्राप्त होती है, या कोई आपके लेक्चर्स के संपर्क में आता है, या आपके भक्तों के संपर्क में आता है, तो उस हर एक जीवात्मा को आपका व्यक्तिगत संग उपलब्ध है। तो मैं इसी बात को और श्रद्धा के साथ अपने हृदय में उतारना चाहता हूँ कि कैसे आप का संग हम सबको प्राप्त है, और आप जैसे महान शक्तिशाली आचार्यों की कुछ सेवा अगर हम करने का मौका मिल रहा है तो ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो श्री प्रभुपाद जी, मैं इस आपके 125वें वर्षगांठ जन्मदिन के वर्षगांठ पर मैं आपसे इसी की प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे बुद्धि दें, आप मेरे लिए हर प्रकार से आपकी करुणा के रूप में जो भी मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है मैं उसको पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण करूं और आपकी सेवा के लिए अपना पूरा अस्तित्व आपको मैं दे पाऊं। तो इसी की भीख मांगता हूं, क्योंकि यही मेरे जीवन का पूर्णता होगा अगर मैं आपकी सेवा के लिए कुछ भी कर पाऊं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।